खबर झारखंड से। अनलॉक फॉर नीट जेई परीक्षाओं के मद्देनजर झारखंड सरकार ने होटल लॉज खोलने का लिया निर्णय। नीट और जेई परीक्षाओं के मद्देनजर झारखंड सरकार ने राज्य में होटल लॉज खोलने की अनुमति दे दी तथा राज्य के भीतर स्थानीय बस सेवा प्रारंभ करने की भी घोषणा की। साथ ही राज्य में मॉल को दोबारा खोले जाने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा देर रात्रि जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा अनलॉक फोर में निश्चित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में बार, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थल, सिनेमा, सामाजिक खेल कूद के कार्यक्रमों, शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, ऑडिटोरियम, अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों को छूट देने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा देर रात्रि जारी अधिसूचना के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अनलॉक फोर में निश्चित क्षेत्र के बाहर कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। झारखंड में 11 डीएसपी का तबादला। प्रभात रंजन रांची के तो संजय कुमार साहेबगंज के डीएसपी बने। राज्य सरकार ने रांची के डीएसपी सदर सहित राज्य के 11 डीएसपी का तबादला कर दिया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार किसी डीएसपी के स्थान पर दूसरे पदाधिकारी का पदार्पण हो गया है तो वहां पूर्व से पदस्थापित डीएसपी पुलिस मुख्यालय में योगदान देंगे। श्री राम दल ने झारखंड में शुरू किया सदस्यता अभियान। हर जिले में 1000 सदस्य बनाने का लक्ष्य। श्री राम दल ने झारखंड में संगठन को सशक्त और जनता के बीच पहुंच बनाने के लिए सदस्यता अभियान का श्री गणेश किया है। झारखंड के हर जिले में 1000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए श्री राम दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंह ने धनबाद से सदस्यता अभियान का शुभारंभ करते हुए संगठन को जनप्रिय बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि स्थापित राजनीतिक दल जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। नए दलों को ही सामने आकर जनता को विकल्प देना होगा। झारखंड में 1 सितंबर से शुरू होगी बस सेवा। जानिए यात्रा से क्या है नियम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नागरिकों से संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार की ओर से बताए गए उपाय का पालन करने की अपील की है। सोरेन ने शनिवार को राजभवन से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कहीं ऐसा न हो कि फिर से लॉकडाउन लागू करने की जरूरत पड़ जाए। राज्य सरकार ने राज्य के अंदर 11 सितंबर से यात्री बसों के परिचालन को लेकर शनिवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कोरोना पॉजिटिव किसी भी व्यक्ति को रिपोर्ट निगेटिव आने तक यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं यात्रा करने वाले सभी लोगों के चालक व सहचालक के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा लेकिन 1 से झारखंड में बसें चलेंगी। शॉपिंग मॉल, होटल और सैलून खुलेंगे। राज्य सरकार ने शुरुआत को कई सेवाओं को छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। उक्त अवधि में दूसरे राज्य से आने वाले परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड की एंट्री पास माना जाएगा। दूसरे राज्य से अगर कोई परीक्षार्थी झारखंड में परीक्षा देने आता है तो उसे क्वारंटाइन से भी छूट रहेगी। भाजपा को मुद्दा थमा गए तेजप्रताप। विपक्षी पार्टी ने लालू यादव के बहाने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू को रिम्स में वीआईपी ट्रीटमेंट देकर अलग बंगला क्यों अलर्ट किया गया है और लंबे चौड़े काफिले के साथ लालू से मिलने आए तेज प्रताप पर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये वे दो सवाल हैं जो झारखंड में भाजपा नेता 2 दिनों से सरकार को घेरते हुए उठा रहे हैं। शुक्रवार को भी दिन भर भाजपा यह मुद्दा उठाते रहे। इस बीच तेज प्रताप पर बिना क्वारंटाइन हुए बिहार लौट जाने को लेकर मामला भी दर्ज हो गया है लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक बंद नहीं हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से की मुलाकात, कर्मा पर्व की दी बधाई। 2,50,00,000 के बैंक लोन घोटाले में सीआईडी ने जांच शुरू की। झारखंड के सरायकेला में सहकारिता बैंक में 2,50,00,000 लोन घोटाले में सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। सीआईडी ने 8 अगस्त को सरायकेला थाने में दर्ज कार्ड संख्या 120/20 को टेक ओवर कर लिया है। सीआईडी डीजी अनिल पाल्टा के आदेश पर मामले की जांच के लिए सीआईडी कोल्हान क्षेत्र के डीएसपी
अनिमेश गुप्ता के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। खबर शिक्षा विभाग से, निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा वर्कबुक, शिक्षक को मार्गदर्शिका। झारखंड में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देने के लिए राज्य सरकार तमाम कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अब यहां के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निजी स्कूलों की तरह वर्कबुक देने की शुरुआत की गई है। बच्चे वर्कबुक से ही पठन पाठन करेंगे, वहीं शिक्षकों को भी मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बच्चे अच्छे से पढ़े। विभाग के उदासीन रवैये से रिसोर्स शिक्षक आंदोलन के मूड में। झारखंड शिक्षा परियोजना के उदासीन रवैये के कारण रिसोर्स शिक्षक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, इस कारण वे आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं। सरकारी स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन, 5 महीने की ऑनलाइन क्लास हुई बेकार, अब शिक्षकों को ऑनलाइन क्लासेस की दी जाएगी ट्रेनिंग। झारखंड में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए चल रही ऑनलाइन क्लासेस की प्रक्रिया पूरी तरह फेल हो चुकी है। जिस उद्देश्य के साथ लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई, उसमें बुरी तरह से विफल होने के बाद अब झारखंड शिक्षा परियोजना सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित कराएगी। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कूल के शिक्षकों को डिस्टेंस एजुकेशन और डिजिटल तकनीकी से एजुकेशन देने में माहिर बनाएगी। खबर है योजना से, करोड़ों जनधन खाता धारकों को मिलेगी बीमा सुरक्षा, योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल पूरे हो गए। इसकी 6वीं वर्षगांठ के मौके पर यह घोषणा की गई कि सरकार जनधन खाता धारकों को बीमा सुरक्षा देगी। इसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। इस योजना के तहत देश के 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस महीने उनमें से 34.81 करोड़ खाते सक्रिय थे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जन धन योजना में से योग्य खाता धारकों को जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। नल जल योजना का सीएम ने किया उद्घाटन। जिले के विभिन्न प्रखंडों में पूर्ण की गई नल जल योजना का शुक्रवार को पटना से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन प्रसारण किया गया। स्थानीय स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि व अन्य लोग कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे। खबर है वरिष्ठ नगर से, प्रखंड के विभिन्न पंचायतों पूर्ण की गई 263 नल जल योजना का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। वीडियो अजमल परवेज ने बताया कि हंसा, छतनेश्वर, रामपुर, विसुन, धनहर, मनियारपुर आदि पंचायतों में पूर्ण हो चुके नल जल योजना का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीसी के माध्यम से उद्घाटन किया। इसके बाद उन योजनाओं का पूरक उद्घाटन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान छतनेश्वर पंचायत स्थित परोरिया गांव स्थित वार्ड संख्या 4 में मुखिया बसंत देवी की अध्यक्षता में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। दीनदयाल अंत्योदय योजना साबित हो रही वरदान, नीति तलवाड़। खबर है होशियारपुर से, केंद्र सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना बनाकर कौशल विकास और अन्य उपायों को माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि की है। इस योजना के तहत देश भर के सभी 441 शहरों और कस्बों को कवर कर लगभग पूरी शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। यह बातें भाजपा महिला मोर्चा पंजाब की प्रदेश उपाध्यक्ष नीति तलवाड़ ने कही। वह समाज सेवी सलवीर कौर की अध्यक्षता में विजय नगर वासियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी। नीति तलवार ने कहा कि इस योजना के तहत 9 लाख लोगों को प्रशिक्षित व प्रमाणित भी किया जा चुका है और 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरी भी प्रदान की गई है। 34 लाख से अधिक शहरी महिलाओं स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। इसके अतिरिक्त 8 लाख से ज्यादा लोगों को कौशल विकास हेतु ऋण भी प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शहर में 277.59 करोड़ की जलापूर्ति योजना का किया शुभारम्भ। खबर है भागलपुर से, शहर की जलापूर्ति समस्या का अस्थायी समाधान जब जल्द ही हो जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहर में 288.81 करोड़ की विकास योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जलापूर्ति योजना के तहत बराबरी वाटर वर्क्स में 277.59 करोड़ से नया वाटर वर्कर्स व इंटेक वेल बनाया जाएगा। बरारे वाटर वर्क्स में जलापूर्ति योजना का शिलान्यास मेयर सीमा साहा, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने नगर आयुक्त
जे प्रियदर्शनी ने शिलापट से पर्दा हटाकर किया। इसके अलावा 28 वार्डों में 9.34 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कच्ची गली व नाली योजना का शिलान्यास किया। इसमें कई योजनाएं ऐसे भी हैं जो पूरी नहीं हो सकी। अधिकारियों ने शहर को अंधेरे में रख कर सभी का उद्घाटन व शिलान्यास करवा दिया। खबर है मौसम से। यहां अचानक पलटा मौसम और हुई झमाझम बारिश से तर बतर हुआ शहर। खबर है करौली से। जिला मुख्यालय पर शनिवार शाम एक बार फिर झमाझम बारिश हुई। दिन भर मौसम साफ रहने के बाद शाम को मौसम ने पलटा खाया और शाम करीब 5 बजे से बूंदाबूंदी के बाद झमाझम बारिश हुई। करीब 15 से 20 मिनट की बारिश से शहर तर हो गया। सड़कों पर पानी बह निकला। इससे मौसम से तरावट आ गई। कुछ देर बारिश थमने के बाद फिर झमाझम बारिश हुई तो शहर तर बतर हो गया। करीब 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश के चलते सड़कों पर पानी बह निकला। इससे सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से आवागमन बाधित हुआ। इधर तेज बारिश के बाद मौसम में तरावट आ गई। खबर है चुनाव से। अमित शाह की बंगाल टीम के 3,500 पेशेवर उतरेंगे चुनाव के मैदान में। खबर है कोलकाता से। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा की केंद्रीय इकाई ने पश्चिम बंगाल को लेकर महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की है, जिसके क्रियान्वयन का जिम्मा पार्टी नेता अमित शाह की चुनाव प्रबंधन टीम को सौंपा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए जो टीम तैयार की गई है उसमें 3,500 सदस्य है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि टीम सीधे केंद्रीय इकाई को रिपोर्ट करेगी। प्रदेश इकाई के नेताओं को आंदोलन कार्यक्रम, उनकी प्रचार रणनीति, एजेंडा सेटिंग जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगी। यहां तक कि किस सभा में क्या वक्तव्य पेश करना है उसका लेखा जोखा व निर्धारण भी प्रबंधन टीम के सदस्य करेंगे। खबर है सोना चांदी के भाव से। MCX पर सोने के दाम में बड़ी गिरावट। अब सरकार दे रही है 5117 रुपये में गोल्ड खरीदने का मौका। घरेलू बाजार में बीते शुक्रवार को वैश्विक बाजार के आधार पर सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर के लिए सोने का वायदा भाव 1% बढ़कर 51,399 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी की कीमतों में 1.5% का इजाफा हुआ। बीते गुरुवार और शुक्रवार को भारत में सोने के भाव में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि 7 अगस्त को 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर के मुकाबले देखें तो सोने का भाव अभी भी करीब 5,000 रुपये कम है। शुक्रवार को वैश्विक बाजार में सोने का भाव करीब 2% तक उछला। दरअसल डॉलर में कमजोरी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा और भी कम ब्याज दर की रणनीति की तरफ इशारा करने से सोने को बल मिला। अमेरिका में सोने का वायदा भाव करीब 2% बढ़कर $1,974 प्रति आउंस पर रहा। गुरुवार को अमेरिका के केंद्रीय बैंक चेयरमैन जेरोम पावेल द्वारा नई नीति को लेकर दिए गए भाषण के बाद सोने का भाव 2% तक लुढ़का था। खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अब और भी सख्ती होगी साप्ताहिक बंदी। सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में साप्ताहिक बंदी को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को ही रहेगी। राज्य में प्रत्येक शनिवार और रविवार को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने मुंबई में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। मुंबई उच्च न्यायालय ने COVID-19 के बीच कड़ी पाबंदियां के साथ मुहर्रम का जुलूस निकालने की शुक्रवार को अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति SJ काठावाला और न्यायमूर्ति माधव जामदार ने स्थानीय सिया संगठन की याचिका पर सुनवाई के बाद इजाजत दे दी है। याचिका में COVID-19 महामारी के बीच सांकेतिक रूप से मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी। राज्य सरकार और याचिकाकर्ता ऑल इंडिया इदारा ए तहफूज ए हुसैनियत ने अपनी सहमति कायम करके शुक्रवार को अदालत को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अदालत ने जुलूस की इजाजत दे दी। डोकलाम और नाकुला समेत भारत से लगते अहम ठिकानों पर चीन बना रहा है मिसाइल बेस। नई सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा। चीन एक तरफ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पीछे नहीं हटने की अपनी जीत पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ वह भारत से लगती सीमा पर मिसाइल बेस तैयार कर रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से यह साफ पता चलता है कि चीन 2 नए एयर डिफेंस पोजीशन तैयार कर रहा है। चीन इन दोनों मिसाइल से बेस में मई
में जिस जगह पर भारत और चीन के सैनिक भिड़ते हैं, इसके साथ साथ डोकलाम और सिक्किम सेक्टर के विवाद जगहों को वह निशाना बना सकता है। मेट्रो से लेकर इंटरनेशनल फ्लाइट तक जाने 1 सितंबर से शुरू हो सकती है कौन सी सेवाएं? देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच केंद्र सरकार अनलॉक 4 लागू करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि अनलॉक 4 में पहले की तरह स्कूल और कॉलेज बंद रह सकते हैं। देश में फिलहाल कोरोना वायरस के कुल मामले की संख्या 34,63,972 हो गई है, जिसमें से 26,00,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि करीब 7,50,000 एक्टिव मामले हैं। देश में कोविड-19 के चलते 62,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनलॉक 4 की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो सकती है, जिसमें सीमित मेट्रो सेवाएं को फिर से शुरू किया जा सकता है। अनलॉक 4 को लेकर गृह मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। सुरक्षा बलों की 18 घंटे की कार्रवाई में 7 आतंकी ढेर, एक ने किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय रिजर्व बटालियन की शुक्रवार से चली करीब 18 घंटे की कार्रवाई के दौरान 7 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर जनरल ऑपरेशन कमांडिंग विक्टर फोर्स ए सेन गुप्ता ने बताया कि इस दौरान एक आतंकी ने सरेंडर भी किया है। ए सेन गुप्ता ने बताया कि शनिवार को बताया कि आतंकवादियों में से 7 को 2020 में भर्ती किया गया था। इन गुमराह युवाओं को पाकिस्तानी आतंकवादियों, पाकिस्तानी संचालकों और देश विरोधी भावना वाले लोगों द्वारा झूठे वादे के साथ भर्ती किया गया था। खबर है खेल जगत से। द्रोणाचार्य अवार्ड लेने से कुछ घंटे पहले हुआ पूर्व भारतीय एथलेटिक्स कोच का निधन, तो आइए जानते हैं पूरा मामला को। पूर्व भारतीय एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का 79 वर्ष की उम्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने से कुछ घंटे पहले ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कर्नाटक एथलेटिक्स एसोसिएशन ने कहा कि राय 1980-90 में एक समर्पित कोच थे। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिकों को श्री कांति रावा स्टेडियम में ट्रेनिंग दी। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। सुरेश रैना निजी कारण से आईपीएल 2020 में नहीं लेंगे हिस्सा, यूएई से भारत लौटे। चेन्नई सुपर किंग के धाकड़ बल्लेबाज ने शनिवार को बताया कि टीम के ऑलराउंडर सुरेश रैना निजी कारण से चलते भारत लौट गए हैं और आईपीएल 2020 में हिस्सा नहीं लेंगे। सीएसके के सीईओ केएस विश्वनाथन ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग इस समय सुरेश रैना उनके परिवार को पूरा सपोर्ट करता है। आईपीएल 2020 यूएई में 19 सितंबर से खेला जाएगा। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता महिला पहलवान विनेश फोगाट हुई कोरोना पॉजिटिव। राष्ट्रमंडल और एशियन गेम की स्वर्ण पदक विजेता महिला पहलवान विनेश फोगाट कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। उन्होंने कहा कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। पुरस्कार समारोह के लिए ड्रेस रिहर्सल से पहले सेनापत में जांच के लिए मेरा नमूना लिया गया था। फोगाट को इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। भारत के केंद्र गृह मंत्री अमित शाह हुए ठीक, बहुत जल्द एम्स से मिलेगी छुट्टी। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ठीक हो चुके हैं और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। इस बात की जानकारी एम्स दिल्ली ने शनिवार को दी। उन्होंने बहुत जल्द दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।